सबसे पहले मैं हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं। श्री भव्य बिश्नोई जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता की दो पंक्तियों से करना चाहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि केवल हमारे कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। तो इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए, आलस से, निष्क्रियता से बचकर हमें अपने कर्म को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। इसी में ही मानवता का कल्याण है। और राजनीति में हमारा कर्म है जनता की सेवा करना। इस सदन के अंदर हम 90 ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के जीवन को सुधारने के लिए चुना गया है। हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधन अब केवल हमारे नहीं हैं, बल्कि जनता को समर्पित है। मेरा ये मानना है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, वी डूइंग गॉड्स वर्क। तो इसीलिए हमें अपने काम को काम की खातिर करना चाहिए, ना कि फल की अपेक्षा में। और हमारे काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बजट पर चर्चा करना और सार्वजनिक निधि या पब्लिक फंड को अधिकृत करना। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग बहुत ही बेसब्री के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ बजट पेश होने का इंतजार करता है। युवा उम्मीद करता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के अवसर प्राप्त हो। किसान उम्मीद करता है कि उसे पर्याप्त सिंचाई का पानी मिले, कृषि आदान मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार हो। महिला उम्मीद करती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वे सशक्त बने। व्यापारी उम्मीद करता है कि वे बिना किसी अड़चन के, बिना गुंडागर्दी के अपना धंधा चला सके। बड़े बुजुर्ग उम्मीद करते हैं कि उन्हें पर्याप्त पेंशन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को आराम और आनंद के साथ व्यतीत कर सके। खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। और समाज उम्मीद करता है कि आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे और हमें स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ वातावरण मिलता रहे। तो उपाध्यक्ष महोदय, जनता की इसी उम्मीद पर खरा उतरना सरकार का और हम सभी का दायित्व बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार 4थी बार जो बजट पेश किया है वो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। राज्य को उन्नति के पथ पर और भी तेजी और मजबूती के साथ अग्रसर करने वाला बजट है। अमृतकाल के इस पहले बजट ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प को लेते हुए ऐसे लोगों को गले लगाया है और सरकारी खजानों को ऐसे घरों की तरफ खोलने के का काम किया है जिन्हें सरकारी योजनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार भी है और कौशल विकास के साथ अपनी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग करने के तमाम अवसर भी है। इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने हरियाणा के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने का भी संकल्प लिया है। इसके साथ साथ वर्तमान युग में देश विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है। हमारे नौजवान इस दौड़ में पिछड़ ना जाए, इसका खास ख्याल रखते हुए हमारी सरकार ने इसके लिए भी सशक्त प्रबंध किए हैं। तो एक जनहितैषी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो ऐसे में एक बेहतरीन बजट देने के साथ साथ जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, जिस अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया है, वो भी काबिले तारीफ है।